अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बीते दिनों 22 जनवरी 2019 को हुई लूटपाट व जान से मारने की घातक दुर्घटना की दोषियों के खिलाफ दाबोदा खुर्द के ग्रामवासियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी हां, मामला दाबोदा खुर्द का है। सुरेंद्र पुत्र सतवीर सिंह अपने भट्टे डीडीआर कबलाना गांव से 8 बजे अपने घर के लिए निकला था। जब सुरेंद्र कबलाना गाँव के शमशान घाट के पास पहुँचा तो अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमे सुरेंद्र को हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया और बेरहमी से सुरेंद्र का कत्ल करने के बाद 5 लाख रुपए और बाइक लेकर फरार हो गए। उसी दिन परिजनों ने पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके उपरांत ग्रामवासी माननीय पुलिस अधीक्षक जज्जर से भी 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन दोषियों के खिलाफ सुराग नहीं लगा पाया है। वहीं इस मामले को लेकर 10 फरवरी 2019 को समस्त ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर चिंता व्यक्त की है और ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है पुलिस प्रशासन को समय अवधि का नोटिस दिया जाए, 72 घंटे के अंदर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे रोड जाम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। 22 जनवरी 2019 को 8 बजे भट्टे पर से हमारा लड़का आ रहा था, रास्ते में थोड़ा चलते गुंडा जो है ना वो मार के घेर दिया अपनी तरफ से और उसके 5 लाख रुपये खोज लिए, मोटरसाइकिल खोज ली। आज तक जो सेना पुलिस प्रशासन ने उसका भेद नहीं लाया है, 2 बार एसपी से भी मिल लिए, किसने ये काम कराया? पिछली बार आए गुंडा पकड़ा जाना चाहिए था। पिछली बार आए थे तो सीआईए में जाने के लिए बोला था आपको, किसी ने कोई सुनाई कहीं भी कोई सुनाई नहीं, सीआईए में भी जा लिए, एसपी के भी जा लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती। सीआईए में क्या रहा वहाँ पे जब आप गए थे? वहाँ करें तलाश करने लग रही थे, बस एक यही बात कहते हैं, तलाश करने लग रही थे। बताएंगे पिछली बार आए थे तो सीआईए में जाने पिछली बार आए थे जी, जब भी ने कह दी थी जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे और आज ये क्या तारीख की बात है, 22 की बात है और आज 11 तारीख होली है, 20 दिन हो गए और कोई भेद नहीं लाग लिया ही, बताए कितने भी और सारा परिवार डरा हुआ है, भट्ठे पे हुए काम खराब होने लग रहे हैं तो कितने लकड़ने का काम नहीं रह रहा उनका और ना कोई सुराख लागता है। सरकार ने दबाव दे के और यो काम करना चाहिए हमारे भाई का जल्दी से जल्दी, जिनने लूट खसोट मार पीट करी है वे पकड़े जाने चाहिए ताकि और आदमी आगे भी बहना रहे और वो कोमा में बच्चा अभी तक वो कुछ बता नहीं सकता, तो सरकार तो चाहो तो जल्दी से जल्दी जब 12 घंटे में उसको गुंडिया को पकड़ के ने हाजिर कर सकती है, बताना क्या बात है, प्रशासन को काम नहीं कर रहा। जो मामला है लूट का मामला है, लूट के बाद मारपीट की गई थी, कोमा में है। बहुत ही माननीय हमारे जो एसपी महोदय है पंकज नैन जी, ये इस तरीके से रावण के अंदर कुंभकर्ण था ना, वो नींद बहुत गहरी सोता था, तो हमारा प्रशासन जो ने कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, इन्होंने कुंभकर्ण की नींद तोड़नी चाहिए हमारे एसपी साहब ने, वो इस प्रशासन ने, क्योंकि अब तक नहीं तो कोई कार्रवाई कर रही प्रशासन उसके प्रति। जब एक आम आदमी इस सरकार में किसी तरह से भी सेफ नहीं है तो बाकी जो दलित समुदाय है या और है वो कैसे सेफ रहेगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ प्रशासन से, अब 36 बिरादरी का गांव डाबोदा खुर्द के अंदर आक्रोश फैला हुआ है, आदमी जो है मतलब बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसका नौजवान बच्चा घर में एक ही कमाने वाला हो और कोई रोजगार नहीं हो और वो कोमा में एडमिट है, मेडि सिटी गुड़गामा में 10-12 लाख रोहतक 10-12 लाख रुपये कहीं उठा के कर्जा करके उसको कराया गया है, तो हम तो एक ही बात कहते हैं जो मेडिकल का जो खर्चा है इसको जो प्रशासन दे या सरकार दे, हमारी ये भी रिक्वेस्ट है, अगर इसके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी तो इसका जिम्मेदार झज्जर एसपी साहब पंकज नैन जी होंगे। 36 बिरादरी के लोग मेरे गांव के अंदर रोड जाम करेंगे, क्योंकि हमने पहले ये बता चुके हैं कि हम रोड जाम करेंगे अगर सरकार प्रशासन ने हमारी बातें नहीं मानी तो। मैं दाऊदा खुर्द का सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते अपने माननीय एसपी साहब पंकज नैन से एक दरखास्त करता हूँ छत्तीस बहादरी की तरफ से, इसको इस कार्रवाई को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ
तुम हरियाणा स्टेट सरपंच एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपनी एसोसिएशन में भी मुद्दा उठाऊंगा, क्योंकि हमारी एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो कोई भी सरपंच के प्रति, गांव के प्रति कोई बात होती है तो हम उसका सहयोग करते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के लिए काम करती है, वो हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ आए, और जो हमारा जो प्रशासन है जो कम कोण की नींद सो रहा है इसको जगाने का कार्य करे। धन्यवाद। जज से गौरव के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।